ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। फिरौती मांगने के आरोप में दाऊद इब्राहिम का भतीजा रिजवान कासकर को गिरफ्तार किया है। रिजवान कासकर इकबाल कासकर के बेटे हैं। इकबाल कासकर के बेटे को पुलिस ने बुधवार की रात गिरफ्तार किया है और इसके पहले छोटा शकील के करीबी और हवाला लेन देन के आरोपी अहमद रजा आफरोज वधारिया उर्फ अहमद रजा को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। रिजवान कासकर अवैध वसूली से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया गया है। रिजवान कासकर को मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब रिजवान देश से भागने की कोशिश कर रहा था। गुरुवार को एंटी एक्सटॉर्शन सेल के दफ्तर पर लाया गया जहां उससे पूछताछ किया गया। मंगलवार को छोटा शकील के करीबी अहमद रजा आफरोज वधारिया उर्फ अहमद रजा को गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें, मुंबई पुलिस को अहम सफलता मिली थी। जैसे ही दुबई से मुंबई पहुंचा, उसे हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया। वडारिया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की सलाह पर हवाला का लेन देन किया करता था। उसके अलावा दाऊद के करीबी फहीम मचमत से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। वधारिया के पास से 4 मोबाइल मिले हैं जिसमें कैद आवाज़ के जरिए वधारिया और मचमच के बीच के कनेक्शन की जांच की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन के और भी राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। हम जानते हैं इस पूरे मामले में डीसीपी ने क्या कुछ कहा है। मुंबई के दो बिजनेसमैन के बीच में व्यावसायिक भागीदारी के जो पैसे है उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है और इस डिस्प्यूट में जो कंप्लेनेंट है उसको दुबई बेस्ड गैंगस्टर फहीम मचमच इसने कॉल करके बोला था कि भाई ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, इसका आप ये पैसे परस्यू मत करो। तो कंप्लेंट ने क्राइम ब्रांच की तरफ कंप्लेंट की और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें ये रिवील हुआ कि जो दूसरा बिजनेस पार्टनर था अशफाक रफीक टॉवेल वाला, इसके पास जो 15.5 लाख थे वो ना दे सके, इसलिए फहीम मचमच ने कंप्लेनेंट को धमकी दी थी कि भाई आप इसके आगे इनसे कुछ भी पैसे नहीं मांगोगे। तो ये विवाद दुबई तक या फिर इस गैंगस्टर तक कौन ले गया या इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया और इसमें अहमद अफरोज वधारिया इसका नाम सामने आया। अहमद अफरोज वधारिया और फहीम मचमच इनको किसने मिलाया, इनका कॉन्ट्रैक्ट किसने करके दिया, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो इसमें मोहम्मद रिजवान इकबाल हसन शेख इब्राहिम इसका नाम सामने आया। तीनों अक्यूज को इसमें अरेस्ट किया गया है और 22 जुलाई तक उनकी कस्टडी है। रिजवान को तो ये दुबई जा रहा था, 4 दिन पहले ही दुबई से आया था और ये एकदम हरिडली दुबई निकल रहा था, तो उसी दरमियान उसको एयरपोर्ट पे डिटेन किया। आपने सुना डीसीपी दत्ता नलावड़े ने क्या कुछ जानकारी दिया है। फिलहाल रिजवान मुंबई के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के दफ्तर पे लाया गया है, पूछताछ जारी है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे यानी इकबाल कासकर का बेटा फिरौती के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।